अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शाह गुरु एजुकेशनल चैनल। दिस इज योर मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर मोहम्मद फैजान। क्लास 9, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, चैप्टर नेम इज लीनियर ग्राफ एंड देयर एप्लीकेशन। बच्चों, इस चैप्टर का एक लेक्चर हम पढ़ चुके हैं, पहले वो लेक्चर पढ़ना है, फिर इस लेक्चर के पास आना है। ओके, व्हाट वी विल लर्न इन दिस लेक्चर, कन्वर्जन ग्राफ पढ़ेंगे। हमने ग्राफ बनाना देख लिया, अब ये कन्वर्जन कैसे होती है वो सीखेंगे, उसकी एग्जांपल करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फाइंड द मिसिंग कोऑर्डिनेट्स, एक टेबल दिया हुआ है और जहां पर वैल्यूज नहीं लिखी हुई तो उसके मिसिंग कोऑर्डिनेट्स आपको लिखने हैं। तो इसका मतलब सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी थोड़ी सी। जरा देखते हैं बेटा, एब्सिसा समझते हैं ना किसे कहा जाता है। एब्सिसा का मतलब एक्स होता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया, लास्ट लेक्चर में, और ऑर्डिनेट का मतलब वाई होता है। तो आपको यहां अगर गौर से देखें तो इस इक्वेशन में ऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, जीरो। यानी ऑर्डिनेट का मतलब क्या हो गया, वाई आपको जीरो दिया हुआ है। मैं पहले की बात कर रहा हूं, अगर वाई जीरो दिया हुआ है तो वाई की जगह जीरो रखें और एक्स की वैल्यू निकाल लें, बड़ा आसान। अगर यहाँ जीरो आप पुट कर देंगे तो टू डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, टू जीरो से कितना हो जाएगा, जीरो, और वन एक्स से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, एक्स। तो एक्स की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू भी जीरो आ जाएगी। फिर कह रहे हैं एबसीसा फोर रखें। अब वाई तो जीरो रख दिया, कर लिया सॉल्व, अब एबसीसा को फोर रखें। एबसीसा मतलब एक्स, एक्स की जगह अगर आप फोर रख देंगे तो बेटा कैंसिल होगा, फोर डिवाइड बाय टू, पहले तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फोर वन सा फोर, फोर को टू से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, टू। सिंपल, आपको एक वैल्यू दी हुई है, दूसरी मालूम करनी है। अब कह रहे हैं एबसीसा वन रखें, चले रख देते हैं। एबसीसा की जगह अगर मैं वन रखूंगा तो वाई क्या मिलेगा, थ्री डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई, तो थ्री वन सा थ्री और टू मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड, तो थ्री अपॉन टू इसका आंसर आ जाएगा। राइट, अब कह रहा है ऑर्डिनेट आपको पहले से बताया हुआ, अब एक्स तो रख दिया ना, अब ऑर्डिनेट कह रहा है थ्री अपॉन टू रखें और एक्स मालूम करें। तो बड़ा सिंपल बेटा, थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। इसका मतलब एक्स की वैल्यू आ जाएगी कैंसिल होने के बाद वन। वैसे कॉमन सेंस की बात है, एक्स वन रखने पर वाई थ्री अपॉन टू आया, तो वाई थ्री अपॉन टू वन, थ्री अपॉन टू रखने पर एक्स वन आ जाएगा, ऑब्वियसली सी बात है। तीसरे को अगर हम सॉल्व करें, चले कर लेते हैं, थोड़ी सी इक्वेशन है ना, एक्स की जगह क्या रखने को कह रहा है, जीरो रखने को कह रहा है, ये आप समझ लें आपका रफ वर्क है। तो एक्स की जगह आपने जीरो रखा, प्लस फोर वाई इज इक्वल्स टू एट। अब देखें, टू जीरो सा जीरो हो जाएगा, फोर वाई इज इक्वल्स टू एट। बच्चों क्या करना पड़ेगा, करना ये पड़ेगा, जीरो तो लिखने की जरूरत नहीं होती, फोर वाई बचा है, फोर मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो एट को फोर से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, टू। अब कह रहे हैं वाई की जगह वन अपॉन फोर रखें, तो इसको भी देख लेते हैं जरा, टू एक्स फोर वाई की जगह क्या रखने को कह रहा है, वन अपॉन फोर इज इक्वल टू एट। बेटा फोर से फोर कैंसिल, टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एट बच गया। इसका मतलब ये हुआ, प्लस वन को वहां भेजते हैं, माइनस वन हो जाएगा, तो एट माइनस वन सेवन हो गया। मुझे अगर एक्स की वैल्यू चाहिए तो टू मल्टीप्लाई हो रही है वहां जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड, तो सेवन अपॉन टू आंसर आ जाएगा। राइट, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कह रहा है एबसीसा को वन रखें, चलें इसको भी करके देख लेते हैं। एक्स की जगह वन रखा, वाई इज इक्वल्स टू सेवन, तो टू वन जै टू प्लस हो रहा है वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो सिक्स माइनस टू कितना आ जाएगा बेटा, फोर। अब कह रहा है ऑर्डिनेट को वाई रखें, मतलब आपने क्या करने को कह रहा है, वो टू एक्स रहने दें और वाई की जगह जीरो पुट कर दें, तो जीरो लिखने की तो जरूरत नहीं है, टू जो है वो यहाँ एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो सिक्स को टू से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। पांचवे में कह रहा है ऑर्डिनेट को वाई रखें, ऑर्डिनेट अगर मैं वाई रखूंगा तो जीरो, जीरो लिखने की वजह से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो एक्स की वैल्यू डायरेक्टली कितनी बचेगी, सिर्फ टू। अब कह रहा है एबसीसा एक्स, यानी एक्स को वन रखें, अगर मैं एक्स को वन रखूंगा, मैं आप करके बताता हूँ, एक्स को वन रखूंगा माइनस वाई इज इक्वल टू टू ना, तो ये माइनस वाई को वहां भेजना पड़ेगा और टू यहाँ लाना पड़ेगा, ये टू प्लस हो रहा है वहां जाके माइनस, और माइनस वाई वहां जाके प्लस का हो जाएगा। बेटा एक में से दो गए तो कितने बचे, माइनस का वन ना, तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का वन। लेट मी चेक अगेन, x की वैल्यू अगर मैं वन रखूंगा तो ठीक है, माइनस वन आ जाके प्लस हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ये माइनस थ्री नहीं है, माइनस का वन ही है।
अब एक्स की जगह क्या रखने का कह रहा है, 3 रखने का कह रहा है, तो चलें इसको भी सॉल्व करते हैं। कौन सा है ये, 6th है। एक्स की जगह कह रहे हैं 3 रखें, माइनस का 3y इज इक्वल्स टू 6, तो बेटा 3 को वहां भेज, बल्कि -3y को वहां भेजते हैं, ये 6 यहाँ आके माइनस का हो जाएगा और ये -3 वहां जाके प्लस हो जाएगा। बच्चों 3 में से 6 गए तो माइनस का 3 बचा, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो डिवाइड होके आंसर कितना बचेगा, -1। अब कह रहे हैं y की जगह -1 रखें, चले रख देते हैं, एक्स -3 वाई की जगह -1 इज इक्वल टू 6, तो माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 6, 3 को वहां भेज देते हैं, 3 यहाँ प्लस हो रहा है वहां जाके माइनस, तो 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 आंसर आ जाए। तो ये आपने टेबल कर लिया कंप्लीट। द वेट इन किलोग्राम एंड एज इन इन ईयर्स ऑफ अ पर्सन एक्सप्रेस बाय द इक्वेशन, ड्रॉ एज वेट ग्राफ। अच्छा तो बेटा पहले तो ये करना पड़ेगा कि आपको इसकी वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, इक्वेशन दिया हुआ है, ग्राफ तो बात की बात है, पहले वैल्यूज तो निकालें। कैसे निकालेंगे याद, हमने पिछले लेक्चर में किया था, पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, इक्वेशन में एक एक करके वैल्यूज पुट करते थे। पहले मैं एक्स की जगह 1 पुट करूंगा, फिर 2 पुट करूंगा, फिर 3 पुट करूंगा, फिर 4 पुट करूंगा, तो मैं एक्स की जगह रख रहा हूं 1। जब पुट करेंगे तो क्या बनेगा, वाई इज इक्वल टू एक्स की जगह क्या रख देंगे 1, तो 2 1 2 आ जाएगा। फिर एक्स की जगह क्या कर देते हैं, 2 पुट करते हैं, जब 2 पुट करेंगे तो एक्स की जगह 2 पुट करने पर क्या होगा बेटा, 2 2 4 हो जाएगा। फिर 3 पुट कर देते हैं, एक्स की जगह 3 रखेंगे तो ये 2 3 6 हो जाएगा, और जब एक्स की जगह 4 रखेंगे तो 2 4 8 हो जाएगा। बन गई वैल्यूज। अब हम इसका बनाते हैं टेबल। टेबल कैसे बनाते थे याद है, ऐसे बनाते थे कि पहले एक्स लिखते हैं, फिर वाई लिखते हैं, हमने एक्स पुट किया है, क्या क्या पुट किया, 1 2 3 4, तो एक्स में हमने लिख दिया 1 2 3 4, और फिर वाई के आंसर्स क्या आए थे, 2 4 6 8, वो हमने यहाँ लिख दिया। अब हम उठाते हैं ग्राफ बुक, इस ग्राफ में वैसे ही नंबरिंग करते हैं जैसे हमने लास्ट लेक्चर में की थी, याद दिला देता हूं अगर आप भूल गए हो तो। देखें आपके पास हो सकता है, आपके पास जो ग्राफ हो उसमें नंबरिंग ऐसे हो, 1 नंबरिंग नहीं होगी लेकिन लाइंस ऐसे बनी हुई हो, तो आप क्या करेंगे इसको और ब्रेक कर देंगे, यहां पर नंबरिंग करें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर ये बात याद नहीं है तो जरा पिछला लेक्चर एक दफा फिर से देख लें, हमने ये किया था कि यहाँ पर एक्स एक्सेस होता है हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल हमारा वाई एक्सेस होता है, हर 5 स्मॉल बॉक्सेस के बाद हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा था, और नेगेटिव साइड यानी कि लेफ्ट साइड पे -1 -2 -3 करके गया था। वर्टिकल हमारा वाई एक्सेस होता है जिसमें वही 5 5 बॉक्स छोड़कर, यानी कि ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे आप लाइन जरूर बनाइएगा वरना आपकी प्लॉटिंग ठीक नहीं होगी। तो ऊपर 10 तक जाएगा और नीचे की तरफ क्या हो जाएगा बेटा, -1 -2 -3 -4 करके -10 तक जाएगा। अभी नंबर्स प्लॉट करना है आपने, चलें करते हैं नंबर्स प्लॉट। नंबर्स कैसे प्लॉट होंगे, हम इसको पहले एक तो एक चीज देख लें कि एक्स उसने कहा था आपकी एज है और वेट जो है वो वाई, तो एक्स एक्सिस पे हमने एज लिख दिया और वाई एक्सिस पे आपने क्या लिख दिया बेटा, वेट, क्योंकि इसने आपको सवाल में बताया हुआ था। अब नंबर्स प्लॉट करें, पहला नंबर क्या है, 1, 2, कैसे होता है बेटा, बहुत डिटेल में हमने नंबर्स प्लॉट करना सीखे हैं पिछले लेक्चर में। एक्स एक्सिस पे 1 और वाई एक्सिस पे क्या है बेटा, 2 है, तो पहले 1 देखेंगे और वाई पे 2, यानी कि इस जगह पे आपका ये प्लॉट हो जाएगा। अगला क्या है, 2, 4, तो एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे 4। 3, 6, एक्स एक्सिस पे 3 और वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगा, 6। 4, 8, एक्स एक्सिस पे 4 और वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगा बेटा, 8। इन सब को आपस में जोड़ देते हैं, ये आपकी आपका जो है ग्राफ बन गया, एज टू वेट का ग्राफ। गॉट इट। आयशा कैन ड्राइव अ 2-व्हीलर कंटिन्यूअसली एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, कंस्ट्रक्ट अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर दिस सिचुएशन थ्रू द लीनियर ग्राफ कैलकुलेशन। और फिर आपको दो चीजें मालूम भी करनी है। चलें हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम ग्राफ बनाते हैं, हम वैसे ही नंबरिंग करते हैं। अच्छा लेकिन नंबरिंग में अब थोड़ा सा मामला डिफरेंट है, देखें अगर मैं आपको वैसे ही वापस नंबरिंग करा दूं 1 2 3 4 तो प्रॉब्लम ही आएगी। देखिए 20 किलोमीटर की बात हो रही है,
तो ये तो हम मैक्सिमम 8 तक जा सकते हैं, 20 तक तो जा नहीं सकते। तो हम ग्राफ को थोड़ा अपना कंप्रेस करते हैं, और कंप्रेस करके क्या करते हैं, 20 किलोमीटर पर आवर का क्या मतलब हो गया बेटा, 20 किलोमीटर पर आवर का मतलब हो गया 1 घंटे में 20 किलोमीटर। तो दूसरे पहले 20 होगा, फिर अगले घंटे में कितने हो जाएंगे 40, फिर अगले घंटे में कितने हो जाएंगे 60, फिर अगले में कितने हो जाएंगे 80, फिर कितने हो जाएंगे 100। तो हमने इसको इस तरह से कर दिया कि ये हमने कर दिया 20, फिर कर देते हैं 40, 60, 80 और फिर 100। ठीक है बेटा, आगे तक जा सकते हैं 120, 140 जहां तक जाए। और यहां हम क्या कर देते हैं, आर्स कर देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से 10 तक चले जाएं, 9 तक चले जाएं, आपकी मर्जी है। अब क्या करना है, अब आपको मालूम है ये बात, उसने कहा 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर का मतलब पर आवर का मतलब हो गया 1 घंटे में ये आपके नीचे किलोमीटर है, ऊपर आपके आवर्स है, ऐसा ही है ना बेटा। 1 आवर में 20 किलोमीटर, तो पहला पॉइंट यहां बन गया। दूसरे में कितना होगा, ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, अगर 20 किलोमीटर पर आवर है तो पहले में 20 है, दूसरे में कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, तीसरे में कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, चौथे में कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, पांचवे में कितना हो जाएगा 100। ये तो कंटिन्यू चलता रहेगा ना, इसको जोड़ दिया हमने। अब आ जाए मेन सवाल पे, ये तो हमने बना लिया। अब वो कह रहा था द टाइम टेकन बाय आयशर टू राइट 10 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर के लिए कितने आवर्स की जरूरत है, तो चेक कर लें 100 किलोमीटर जाके मिल रहा है 5 आवर्स पे, तो आपका आंसर हो गया 5 आवर्स पहले का। दूसरा क्या, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय आयशा इन 3 आवर्स, 3 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, तो चेक कर लें 3 आवर्स में कवर कर रही है यहाँ पर कितना 60 किलोमीटर। तो बड़ा सिंपल सा सवाल था। आगे बढ़ते हैं, रीड द गिवन कन्वर्जन ग्राफ बिटवीन माइल्स एंड किलोमीटर टू अप्रोक्सीमेटली कन्वर्ट, रीड करके आपको चीजें बतानी है। ओके ओके ठीक है, अब यहां से पढ़ के आपको बताना है आंसर ना, पहले क्या बताना है, इन्होंने बता दिया ये किलोमीटर है, ये माइल्स है, ये नंबरिंग है, ओके सारा कुछ पहले से दिया हुआ है। आपने बताना है 1 माइल कितने किलोमीटर के बराबर, तो पहले माइल पर आए, 1 माइल की लाइन लेकर जाए, तकरीबन 1 और 2 के दरमियान आ रही है और थोड़ा सा 2 के करीब है, तो उसने पहले ही कह दिया अप्रोक्सीमेटली आएगा आंसर, अप्रोक्सीमेटली का मतलब समझते ना, तकरीबन अंदाजन, तो आंसर तकरीबन आ रहा है 1.8, मैंने 1.6 लिखा, हो सकता है आप जब बनाए आपका नहीं नहीं सर 1.7, देखिए अप्रोक्सीमेट में तो ऐसे ही होता है ना, थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। जब हम घड़ी देखते हैं जो एनालॉग वॉच होती है, एनालॉग क्लॉक होती है, तो हम ये कहते हैं ना यार तकरीबन 10:15 बज रहे हैं, ये 10 बजने वाले हैं, तो बात वही है कि अप्रोक्सीमेट आंसर है, तो मुझे 1.8 लगा या मैंने 1.6 लगा, हो सकता है आप करें आपको 1.7 लगे, तो पॉइंट्स का थोड़ा बहुत फर्क आएगा। तो पहला हो गया, दूसरे में कह रहे 3 माइल्स, तो 3 माइल्स की लाइन देख लेते हैं कहां तक जा रही है, स्केल रख के आप चेक कर लेंगे, यहाँ पर ही जा रही है 4 के बिल्कुल करीब करीब है, तो इसको ये मुझे लग रही है 3 और 4 के करीब, 4 के करीब है 3.8, नो दैट इज कंप्लीटली 3.8, दैट इज नॉट 4.8, दैट इज 3.8, ये तो 100% है। अब कह रहे हैं 2 किलोमीटर, तो किलोमीटर नीचे नहीं है, किलोमीटर यहाँ है बेटा, यहां से देखिएगा 2 किलोमीटर, 2 माइल्स, 2 किलोमीटर की लाइन आप यहाँ लेके जाएं और कहाँ मिल रही है 1 और 2 के दरमियान आ रही है, तो कितना लिख देंगे यहाँ पर हम 1.2 माइल्स। चौथा क्या है, 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर की लाइन को लेके जाए और वो जा रही है यहाँ पर 6 और 7 के दरमियान, यानी कि 6.5 माइल्स। तो बड़ा सिंपल सा, सिंपल सी बात है कि आपने बस ये चेक करना है कहां पर वो लाइन टच हो रही है, और अप्रोक्सीमेट आंसर बताना है, एग्जैक्ट आंसर तो बता ही नहीं सकते ऑब्वियसली। सेम आपके पास नेक्स्ट बात है, ग्राफ बना हुआ है, इसमें से वैल्यूज मालूम करनी है, चले मालूम करते हैं। पहले क्या कह रहा है, 2 हेक्टर्स 2 एकर्स, हेक्टर्स नीचे है, एकर्स यहां पर है, तो 2 हेक्टर्स, 4 और 5, नहीं बिल्कुल एग्जैक्ट 5 पे आ रहा है मेरे हिसाब से, 5 एकर्स, 5 हेक्टर्स 2 एकर्स, हेक्टर्स नीचे है तो यहां से लाइन लेके जाते हैं 5, आप तो स्केल से करेंगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी, यहाँ आ रहा है 12 और 13 के दरमियान आ रहा है, तो 12.5 एकर्स। अब 5 एकर्स की बात हो रही है, तो एकर्स यहाँ देखेंगे, 5 एकर्स की लाइन जा रही है यहाँ पर, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर आ रही है 2 पे आई गेस। 15 एकर्स, तो 15 एकर्स की लाइन जा रही है इस जगह पे तकरीबन 6 के करीब है, 5 और 6 के दरमियान नहीं है, 6 से थोड़ा सा पहले, तो आई कैन से 5.9 और 6, ओके अप्रोक्सीमेट आंसर है। सेम बात इसके साथ,
आसान से सवाल है, बड़े सिर्फ चेक करनी है आपकी वैल्यूज। अच्छा, 2 डिग्री सेल्सियस टू फैन, ये डायग्राम बनी हुई है पेपर में, अगर आएगी तो बनी भी आएगी, ये बेसिकली आपके बुक में है सवाल। 2 सेल्सियस, अच्छा डिग्री यहाँ है, फ़ारेनहाइट यहाँ पर है ना, तो 2 डिग्री वाली लाइन जो हमारी जा रही है वो जा रही है बेटा 35 और 36 के दरमियान है, लेकिन नियरेस्ट टू 35 है, तो वी कैन से 35.4। 1.8, अच्छा 1.8 कहाँ आएगा, 2 से थोड़ा पहले आएगा, लेकिन 2 की लाइन ये थी ना, तो 1.8 की लाइन थोड़ी सी पहले होगी, तो वो कहां पर आ रही है, 35.3 कर देते हैं, थोड़ा सा पहले कर देते हैं जो 35.4 था। 32 फ़ारेनहाइट, 32 फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट यहाँ आया, तो 32 बिल्कुल यहाँ है, 0 पे है मेरे हिसाब से, और 36.4, 36 और 37 के दरमियान, लेकिन थोड़ा सा नीचे करके 4 यहाँ, ये जा रही है 2 और 3 के दरमियान, तो वी कैन से दैट इज 2.4 डिग्री। सो होपफुली बात समझ में आ गई होगी, सिंपल सा टॉपिक था, इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, दैट्स इनफ फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज।